प्रसन्न हो ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण, मैं तुम्हारी घोर तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हें जो वर मांगना हो वो मांग लो। ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है तो हमें ऐसा वर दें, ऐसा फल प्रदान करें जिसके द्वारा देवता आदि सभी मुझसे परास्त हो जाएं। ब्रह्मदेव हमें वर दें, ऐसा ही वर दें। ऐसा ही होगा तथास्तु। सृष्टि में हमें कोई अपराजित नहीं कर सकता। तीनों लोक के देवी देवता मुझसे डरते हैं। हमें कोई नहीं मार सकता। मैं इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ। मेरे शक्ति के आगे देव लोग, पताल लोग, पृथ्वी लोग पर युद्ध करने की क्षमता किसी में नहीं है। इस आतंक से तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। तब ऋषि मुनि इंद्र आदि सभी देवतागण हिमालय पर्वत पर चले गए और महादेव की आराधना करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, हे आदिशादि प्रकट प्रकट और देव लोक की रक्षा के लिए इन दैत्यों का संहार करें। अरे दुष्ट, ये तू क्या कर रहा है? लौट जा यहां से। ए सुंदर नारी, तू मुझे रोकने आई है? तू नहीं जानती मैं कितना बलशाली हूं। ए सुंदर नारी, तू मेरी पटरानी बन जा, मैं तुझे तीनों लोक का रानी बना के रखूंगा। डरने वाला नहीं, तू चल मेरे साथ।